नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, सदन में उठा हड़ताल का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाया हड़ताल का मुद्दा, तो सरकार के पास सुनने का वक्त नहीं, इस तरीके का आरोप भी नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है। कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, गंभीर नहीं है, इस तरीके की बात भी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कही गई है। तो आपको बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर साझा कर रहे हैं देहरादून की, जहां पर आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा और आखिरी दिन है। आज के दिन सदन में सवाल उठाया गया है, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है और कहा है कि सरकार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है और सरकार के पास कर्मचारियों की बात सुनने का समय भी नहीं है, क्योंकि कर्मचारी जो है वो सड़कों पर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठ धर्मिता निभा रही है, सरकार गंभीर नहीं है, सरकार संवेदनशील नहीं है। ये बात नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कही है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी देहरादून से, जहां सरकार पर आरोप लगा है और नेता प्रतिपक्ष ने कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर। और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है सरकार गंभीर नहीं है नियमितीकरण को लेकर, कर्मचारी लगातार सड़कों पर हैं, हड़ताल कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, लेकिन सरकार है जो गंभीरता नहीं दिखा रही है, कर्मचारियों की बात सुनने को तैयार नहीं है, कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें नियमितकरण जो सरकार ने वादा किया था वो हमें वापस किया जाए, दिया जाए, लेकिन सरकार है वो सुनने को तैयार नहीं। इस तरीके की बात कांग्रेस के नेता या कहे कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कही है सदन में। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड शीतकालीन सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन है और आज सदन में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है, हड़ताल का मुद्दा उठाया है, कर्मचारियों को लेकर सरकार को घेरा है और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों को लेकर गंभीर नहीं है। तो कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है विपक्ष ने, वहीं कर्मचारियों को मुद्दे को लेकर सदन में गहमा गहमी का माहौल दिखाया गया। हम आपको तस्वीर भी साझा कर रहे हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिस वक्त प्रीतम सिंह ने विपक्ष ने सरकार आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता देहरादून से अजीत कांबू जुड़े हुए हैं। अजीत, आज जो सदन का आखिरी दिन भी कह सकते हैं, गहमा गहमी का माहौल रहा, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कई सारे आरोप भी सरकार पर लगाए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सदन की अगर बात की जाए तो कार्रवाई को लेकर सबसे पहले सदन को सीधे तौर पर नियम 310(5) की कानून व्यवस्था को लेकर सबसे खड़ा किया गया, उसको सदन में हवा में उठने की बात की और उसके बाद जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो प्रश्नकाल में सीधे तौर पर बेरोजगारी आंकड़े को लेकर यहाँ पर बवाल होता हुआ नजर आया और जिस तरह से सदन के भीतर पूरी तरह से सत्ता पक्ष को कोशिश की गई उसकी तरफ से काजी निजामुद्दीन जो मंगलौर से कांग्रेस के विधायक है उसने सवाल किया था कि बेरोजगारी के आंकड़े क्या है, सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। तो सदन में जब शौचालय सेवा योजना हमारे से जवाब दिया गया, उन्होंने कहा 2030 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा, तो 2030 यानी कि इस समय में 7 लाख लोगों को, तो इन्हीं आंकड़ों को लेकर पूरा हो हल्ला सदन के बढ़ता हुआ नजर आया। इसके तौर पर विपक्ष ने सामग्री जानकारी फर्जी हमसे प्रस्तुत करने का आरोप उठाया है, सरकार बता कि सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है, सरकार केवल पड़ा करने का काम करती है, इसको लेकर सदन का वॉकआउट किया और तमाम प्रचारों सरकार पर लगाने का काम किया गया। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष ने की है। अब ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कुनूर हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार देश की शूरवीर योद्धाओं को आज पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के पहले जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को आज विदाई दी गई। इससे पहले कल पीएम मोदी से कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली के 3 कामराज मार्ग पर उनके आवास पर लाया गया है, जहां लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचे हैं। जनरल बिपिन रावत के साथ साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को भी दर्शन के लिए रखा गया है। 11 बजे पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन रखा गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक
सैन्य अफसर उन्हें दी। दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक सैन्य अफसर उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। वहीं दोपहर 2 बजे के बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। जनरल रावत की अंतिम यात्रा पूरे सैन्य सम्मान के साथ निकाली जाएगी। 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए आ रहे हैं और वाराणसी प्रवास के दौरान पीएम मोदी विश्व प्रसिद्ध दशमेश्वर मेघनाथ स्थित गंगा सेवा निधि की आरती में भी शामिल होंगी। इसके लिए भव्य गंगा घाट को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। उनके साथ यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी गोरखपुर में हैं। सीएम योगी यहां आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 700 विजेताओं को पुरस्कृत किया। साथ ही परिषद के सर्वश्रेष्ठ संस्था शिक्षक कर्मचारी और परा स्नातक के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक के साथ सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संपन्न होने के बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी 11 दिसंबर यानी कि कल यूपी दौरे पर आएंगे और पीएम बहराइच श्रावस्ती और बलरामपुर से गोरखपुर तक जाने वाले 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का बलरामपुर में उद्घाटन करेंगे, जो पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही पीएम ने बताया कि 80 करोड़ की लागत से शुरू हुई परियोजना को पूरा करने के लिए 9,802 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 44 साल में तमाम सरकारें आई हैं और चली गई, लेकिन इस परियोजना पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इस परियोजना का काम तेजी से शुरू कर दिया गया, जो पूरा भी हो चुका है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख के बाद अब दागी वकीलों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। दागी वकीलों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई। आज राजधानी लखनऊ में 2 वकील अभिषेक सिंह और एतमाद हसन को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने वकीलों के खिलाफ विचाराधीन मुकदमों पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कुछ कलंकित वकीलों के कारण पेशे को बदनाम नहीं होने दिया जा सकता। कुछ वकीलों का संगठित समूह धन उगाही, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैकमेलिंग जैसे कामों में लिप्त है। कोर्ट ने कहा था कि वकालत के पेशे को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाती। कोर्ट के सख्त रुख के बाद लखनऊ पुलिस हरकत में आई। वहीं हाईकोर्ट ने डीजे लखनऊ में भी दागी वकीलों की लिस्ट तलब की है। आजमगढ़ में अनाधिकृत निर्माण और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराने वाले के खिलाफ आजमगढ़ विकास प्राधिकरण लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में एडीए की टीम शहर के कई मोहल्लों में निरीक्षण कर रही है। बात की जाए तो आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने बताया कि पिछले 2 से 3 महीनों में प्राधिकरण ने 50 से अधिक अवैध निर्माणों को चिन्हित कर नोटिस जारी कर दिया है। 14 अन्य अधिकृत निर्माणों को सील किया गया है। वहीं 3 के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में बीती रात चोरों ने पूर्व प्रधान के घर में ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बिजनौर के चंद्रपुर थाना क्षेत्र में कुछ दबंग युवक ने ग्राम प्रधान पति से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंग युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ के विश्वविद्यालय में शिक्षक छात्र और कर्मचारियों ने CDS बिपिन रावत सहित 13 लोगों के शहीद होने के लिए नम आंखों से विदाई दी है और पदयात्रा में भी शामिल हुए हैं। पदयात्रा और शोक सभा के जरिए सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को चेकिंग के दौरान कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने 3 शातिर एटीएम चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने चोरों के पास से 18 एटीएम कार्ड, 1 कार, लैपटॉप, 2 डाटा केबल, 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद किया है। कानपुर के फर्नीचर गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली के बहेड़ी में केसर चीनी मिल में गन्ना यार्ड में कैंप लगाकर सड़क सुरक्षा के उपायों को विस्तार से समझाया गया। किसानों के गन्ने से लदे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस अवसर पर परिवहन आयुक्त, सड़क प्रवर्तन अधिकारी और अध्यक्ष शामिल हुए।
बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने नकाब लगाकर 7 दुकानों में चोरी कर लाखों का माल उड़ाकर फरार हो गए, जिसके बाद आक्रोशित व्यापारियों ने थाना पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र में दबंग खनन कारोबारी ने संगोली मडगैन मोरंग घाट में किसानों की जमीन पर जबरन रास्ता बना लिया है, जिसका विरोध करने पर किसानों को बंदूक की बटों में जमाकर पीटा गया। वहीं असलहों का खुलेआम प्रदर्शन करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से सरकारी एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से सरकारी एम्बुलेंस जलकर राख हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में चोरी करने आए युवक ने अधेड़ पर सिलबट्टे से हमला कर दिया और फरार हो गया, जिससे अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीडीएस विपिन रावत का प्रयागराज से सीधा संबंध तो नहीं रहा, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए अक्षय वट को ले जाने की सौगात उन्होंने ही दी है। अगस्त 2018 में उनके प्रयागराज आगमन के बाद उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का भी खाका तैयार कर लिया था। मिर्जापुर के बरकछा स्थित बीएचयू दक्षिणी परिसर में अमृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने रंगोली बनाकर भारत माता को नमन किया। अमेठी में डीएम तहसील तिलोई का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं निर्वाचन कार्यों की फील्डिंग के दौरान ही हिला हवाली पर नाराजगी जताई गई। तहसील में डीएम को देखकर मातहतों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। बुलंदशहर में सुभिक्षा कार्यक्रम के तहत बंदियों की टीबी एचआईवी और एसटीआई रोगों की स्क्रीनिंग कराकर जांच की गई। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल और राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने रोगों से बचाव के तरीके भी बताए। इस दौरान 850 बंदियों की जांच की गई। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम की तेल से भरी एक बोगी डीरेल हो गई। वहीं तेल से भरी बोगी पलटने से किसी को कोई चोट नहीं आई, वहीं रेल की बोगी डीरेल होने से हड़कंप मच गया। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो स्कूली छात्रों को कुचल दिया, जिसमें कि दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बादा के कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रामा सेंटर में तैनात डॉक्टर के साथ शराबियों ने गाली गलौच और मारपीट की, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और उपद्रवियों को पकड़कर जेल भेज दिया। औरैया के अजीत मल कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। वहीं गाड़ी पलटने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बादा में सीओ सिटी आरके सिंह और शहर कोतवाली ने भारी पुलिस बल के साथ शहर भ्रमण कर चेकिंग अभियान चलाया और वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। वहीं सड़क किनारे ठेले लगाने वाले और दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। विदेश से लखीमपुर खीरी आए 34 यात्री लापता हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग यात्रियों की तलाश कर रही है। एयरपोर्ट से आई सूची के बाद विदेश यात्रियों की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक यात्रियों का कोई पता नहीं लगा पाया है। हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत सहित 14 लोगों की मौत पर हर ओर गमगीन माहौल है। जालौन में अलग अलग शोक सभाएं हो रही है। स्कूली बच्चों और स्टाफ ने भी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन किया है। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर 17 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिवार के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जाहिर कर आक्रोश दिखाया। बादा के शहर कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह से वापस लौट रही महिला का टप्पेबाजों ने बैग उड़ा लिया। बैग में नकदी समेत लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात थे, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ में घायलों के इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
झांसी के खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आगरा के छावनी परिषद के अधिकारियों की मनमानी के चलते सदर बाजार की चाट गली और सुल्तानपुर के दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर ताला लगा दिया। पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि कई सालों से 10 से 20 रुपए की तय पर तालाबाजारी की जा रही थी, लेकिन अचानक उस वक्त राशि को 100 से 200 रुपए तक कर दिया गया। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय का एक युवक स्कूल के रास्ते पर हिंदू छात्रा के साथ सरेआम छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया करता था। वहीं सरेआम मुस्लिम युवक के आतंक और उसके खौफ से परिजनों ने छात्रा का स्कूल से पढ़ाई बंद कर दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देवभूमि के दौरे पर आएंगे और महामहिम शाम को करीब 5 बजे देहरादून पहुंचेंगे। राष्ट्रपति IMA परेड में भाग लेने के लिए देहरादून पहुंच रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक का भी पूरी तरह से प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर IMA तक विभिन्न स्थानों से रूट डायवर्जन व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था उनके काफिला निकलने से पहले से ही लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार आज वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट 1400 से 1500 करोड़ के बीच हो सकता है। इसके अलावा सरकार उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को समाप्त करने के लिए सदन में विधेयक पेश करेगी। सरकार सदन में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 समेत 8 विधेयक पटल पर रखेगी। प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने का निर्णय भी लिया था। विपक्षी विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर हमला किया गया था, लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका जवाब हम मांग रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार से 5 रुपए ज्यादा गन्ना मूल्य घोषित करते हुए प्रदेश में किसानों को पिछले गन्ना मूल्य से 28 रुपए ज्यादा गन्ना मूल्य देने का ऐलान किया है और उसका आदेश भी जारी कर दिया है। मैं आपको यह भी बता दें कि हमीरपुर के बुंदेलखंड में अवैध खनन की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। बेतवा नदी की जलधारा को प्रभावित कर 20 जलधारा में खनन किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सख्त आदेश है कि भारी भरकम पोकलैंड मशीनों से खनन कार्य नहीं किया जाएगा। बदायूं के फैजगंज बेहटा इलाके में सड़क हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में 62 साल के वृद्ध को नदी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक CDS विपिन रावत की मौत के बाद खुशी का इजहार करने के साथ गाली दे रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने में जुट गई है। जौनपुर के मछली शहर तहसील के सब्जी मंडी में 2 समुदायों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान मौके पर उपस्थित नगर प्रचारक समेत 7 लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, जहां उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन किया। बता दें कि कल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह के समापन समारोह कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान शिरकत करेंगे। रामपुर में कोरोना काल के दौरान जेल में बंदी और कैदियों को पेरोल पर छोड़े जाने के लिए सरकार और उच्च न्यायालय की ओर से कदम उठाए गए थे। अब एक बार फिर से कोरोना की आहट सुनाई देने लगी है, जिसके बाद फिर से कैदियों को छोड़े जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी तहत 11 कैदियों को पेरोल पर छोड़ा गया है। लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने 25 साल के युवक को सीने से गोली मार दी है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और अस्पताल पहुंचाया घायल को। एटा के नगर कोतवाली क्षेत्र में वैन में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग लगने के देखते ही वैन जलकर खाक हो गई,
जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर देहात के जिला चिकित्सालय में बच्चे को गोद में लेकर जा रहे पिता की पिटाई करने वाले इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा को एडीजी जोन कानपुर भानु भास्कर ने सस्पेंड कर दिया है। कुछ खबरों का रुख करते हैं और विस्तार से जानते हैं। बता दें कि सर्व विद्या की राजधानी काशी में 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों काशी पुराधिपति के दरबार को भक्तों को समर्पित करने के दौरान 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता, अखंडता और एकता का संदेश देंगे। रिपोर्ट देखिए। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान 2014 में लोकसभा चुनाव के नामांकन से पहले का है। इस दौरान काशी से अपना जुड़ाव जताते हुए पीएम ने कहा था कि उन्हें न किसी ने भेजा है और न वो खुद आए हैं, उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है। अब लगभग 7 साल 7 महीने बाद आगामी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी काशी में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने आएंगे। इस दौरान विश्वनाथ धाम पहुंचने का उनका अहम जरिया गंगा होंगी। काशी में एक कहावत है कि जन्मे को रामनगर, मरने को काशी, तरने को बह गई गंगा बनारसी। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ से है, लेकिन एक बड़ी पहचान गंगा से भी है। यहाँ गंगा एक नदी नहीं बल्कि लाखों काशी वासियों की माँ है। मोदी जब बनारस का दिल जीतने आए तो गंगा उनके दिल में बहने लगी और उस धारा को प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। अब इसी गंगा की धारा के प्रवाह में प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को एक बार फिर वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी नाव से बाबा विश्वनाथ के धाम जाकर गंगा और काशी से जुड़े अपने जुड़ाव को फिर मजबूती देंगे। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। इस बात का हम लोगों को गौरव है कि हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसकी परिकल्पना आदरणीय मोदी जी के द्वारा की गई और आज वह मूर्त रूप लेते हुए दृष्टिगोचर है। मैंने एक राजा धीराज राज राजेश्वर के अनुरूप जो होना चाहिए वो आज सामने आपके दिखाई पड़ रहा है। यहाँ इतना बड़ा परिक्षेत्र माने एक मोहल्ला जिसके अंदर लगभग 350 मकान और पूरा ये मोहल्ले का नाम था लाहौरी टोला और ये पूरा का पूरा मोहल्ला और उसमें रहने वाले लोग जिन्होंने सहर्ष इस बात के लिए दिया क्योंकि बाबा के प्रांगण का विस्तार होना था। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर 13 तारीख को आदरणीय मोदी जी आएंगे, सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ के दरबार में बैठ करके गर्भगृह में पंचामृत से भगवान का अभिषेक करके राजोपचार विधि से उनका पूजन श्रृंगार करके आरती करेंगे, उसके बाद इस परिक्षेत्र का श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन 13 तारीख को होना है। इस तारीख से इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है, जो करीब 250 साल के बाद काशी विश्वनाथ का पूरा जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार किया गया है। सर्व विद्या की राजधानी काशी में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों काशी पुराधिपति के दरबार को भक्तों को समर्पित करने के दौरान 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी के साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता, अखंडता और एकता का संदेश देंगे।